हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के चांद नगर के सानिया हॉल के पीछे कल शाम में एक घटना सामने आई। इमारत की चौथी मंजिल से 7 साल की आसरा सैयद नामक एक बच्ची नीचे जमीन पर गिर गई। आसरा के पैर और सर में गंभीर चोट लगी है। हादसा चांद नगर के सैयद मंजिल ए विंग में हुआ। 7 वर्षीय ये बच्ची आसरा चांद नगर के रूबी चाल में रहती है और ट्यूशन पढ़ने के लिए ये शगुफ्ता नामक एक महिला के घर सैयद मंजिल के चौथी मंजिल पर गई थी। ट्यूशन पढ़ने के दौरान बच्ची बेड पर गई और अचानक खिड़की से नीचे गिर गई। इमारत में पानी के पाइपलाइन के लिए जो डग बनाया जाता है उसमें से ये बच्ची सीधा नीचे आकर ज़मीन पर गिरी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बच्ची को बिलाल अस्पताल ले जाया गया और वहां से फिर कालसेघर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद नवी मुंबई के डीवाई पाटिल अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची के सर में गंभीर चोट लगी है और एक पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। बहरहाल इस पूरी घटना में सीधा लापरवाही दिखाई दे रही है। छोटे बच्चे अगर ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं तो उन पर बेहद ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, मगर लापरवाही की वजह से एक 7 साल की बच्ची आसरा सैयद इमारत की चौथी मंजिल से नीचे ज़मीन पर गिर गई। मगर बहरहाल इस बच्चे का इलाज डीवाई पाटिल अस्पताल में चल रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।